निजानंद स्वामी की। आइए जितेश भैया एक भाव रखिए अपना। प्राणनाथ प्यारे की, बोले बाबा दयाराम साहेब आपकी सदाई, बोले महाराज हरिदास साहेब आपकी सदाई। प्रिया चरण कमल चित आए, प्रिया चरण कमल चित आए, लाग तली और लाल दिया, सुख शीतल सुख दाए। प्रिया चरण कमल चित
लाए, चरण नखिन हो पाए। अरस के अंकुर बिनाए, चरण नखिन हो पाए। जो कोई होवे साचा मोमिन, चरणों से दूर न जाए। जो कोई होवे साचा मोमिन, चरणों से दूर न जाए। चरणों के बिन रूह दिल और न कछु समाए। सुंदर चरणों की सुंदरता को हृदय में भराए। पिया चरण कमल चित आए, पिया चरण कमल चित लाग तली और लाल दिया। सुख शीतल सुखदाए, पिया चरण कमल चित आए, पिया चरण कमल चित आए। चान पूरी ताको चरण ये प्यारे, जाको भई पे चान पूरी ताको चरण ये प्यारे। ये सुख जाने मोमिन या जाने देवन हारे। ये सुख जाने मोमिन याओ, जाने देवन हारे। मोमिन वासा होए हमेशा, पिया के चरणों मोमिन देखे नाए। पिया चरण कमल चित आए, पिया चरण कमल चित आए। लाख तनी और लाल दिया, सुख शीतल सुखदाए, पिया चरण बैठे सब लीला देखे, पर आता
के तनो में इत बैठे सब लीला देखे पर आत्म कोई तनो नूर स्वरूप के नूर चरण को नूर देना दिखाए अरस मिलावा अरस की खिलावत इन चरणों में पाए या चरण कमल कित आए चरण कमल कित आए लाख तली और लाले दिया सुख शीतल सुख दाए पिया चरण कमल कित आए पिया चरण कमल कित आए ओ पिया चरण कमल कित बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की चलो चलो बोल ले प्रेत बोल ले मेरे तो बोल बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय वतन विसारिया वतन विसारिया छिलकी सृष्टि सखिया
सुख दिखाए वतन के, सुख दिखाए वतन के, सोही कायम सुख अलग के, कायम सुख अलग के, सुख दिखाए वतन के, सुख दिखाए कायम सुख अलगे, ओ कायम सुख अलगे, तोरी फल छूटे नहीं, तोरी फल छूटे बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
हर्षद भाई के चरणों में विनती है, आप अपना भाव रखिए, विनती कर सकते हैं हम आपको। ये इधर भाइयों की संख्या में कुर्सियों पर लोग ज्यादा बैठे हैं, पता नहीं आजकल कुर्सियों से ज्यादा लगाव क्यों हो गया लोगों को। इधर आगे स्थान काफी खाली पड़ा है, जिनकी मजबूरी है जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं वो तो कुर्सी बैठे अच्छा लगता है, ताकि पीछे आने वाले लोगों को जगह मिल जाएगी। कृपया भाई लोग थोड़ा आगे आ जाएं, गद्दे खाली पड़े हैं। धन्यवाद। ये कहने को भी
Yeah.
Come on.
श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत धन्यवाद अर्षद भाई जी के सुंदर भाव के लिए। आप सब सुंदर साहब की कृपा से ही तो हो रहा है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमारे बीच में परम वंदनीय बाबा दयाराम धाम करनाल के गद्दीपति श्री श्री 108 महाराज जगत राज जी पधार चुके हैं। आप अपने व्यस्ततम समय में से बड़े विशाल कार्यक्रम को छोड़कर भिवानी से आप हमारे बीच पधारे हैं। मैं हृदय से हरिदास ट्रस्ट की ओर से, जयपुर सुंदर साहब की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे अनुज विजय जी से प्रार्थना करूंगा आप आए, महाराज जी का माल अर्पण स्वागत करें। इसके पीछे हरिदास ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य श्री मुलक राज जी तिनेजा से भी निवेदन करूंगा आप भी आ जाएं, महाराज जी का स्वागत करें। श्यामा श्याम गोमटी मंदिर के अध्यक्ष एवं बाबा दयाराम करनाल ट्रस्ट के सदस्य श्री जुगल किशोर जी खुराना से भी निवेदन करूंगा आप भी पधारें, महाराज श्री जी का स्वागत करें। परम पूज्य बेबी जी मंदिर से अगर उनके कोई सदस्य पधारे हो, विनोद जी मुझे दिख तो नहीं रहे, आए अगर आए हुए तो महाराज जी का स्वागत करें। हमारे हरिदास ट्रस्ट के श्रीन्द्रा जी तनेजा, ये ट्रस्ट सारी उन्हीं के द्वारा ही चलती है, हम तो नाम के खाली माइक संभालने वाले हैं, करता करता यही है। कई दिनों से इस कार्यक्रम की रूपरेखा को बनाने में लगे हुए हैं, ना सुबह ना शाम ना दिन ना रात, महाराज जी का स्वागत करते हैं, धन्यवाद। अब आप महाराज श्री जी आपको अपने प्रवचनों से लाभान्वित करेंगे, उससे पहले एक छोटा सा भाव अपना रखने आ रही है। सन टू ह्यूमन फाउंडेशन प्रेजेंटेशन, ये एक संस्था है जो आपका जीवन कैसे अच्छा हो सकता है उस बारे में आपको सिखाती है। इसका आगे एक शिविर आ रहा है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए आपके सामने आ रही है अंतर ज्योति जी, आइए आप अपने भाव रखिए। गुरु जी के चरणों में प्रणाम, आप सभी के भीतर बैठे परमात्माओं को प्रणाम। एक्चुअली ये सन टू ह्यूमन फाउंडेशन ये 2019 में पहले भी हो चुका है, किसी को ज्ञात होगा तो। ये एकदम निःशुल्क शिविर है जो आपके यहाँ पर सूरज मैदान में होने वाला है। इसमें आपकी जीवन शैली, जो आपको भी पता है कितनी विकृत हो चुकी है, उसकी वजह से आप लोगों को कितनी बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं, जैसे शुगर, बीपी, घुटनों में दर्द, जैसे अभी इन्होंने बोला कितने लोग नीचे भी नहीं बैठ पा रहे थे, तो हम लोग की लाइफस्टाइल की वजह से ये सब बीमारियां हैं। तो वो लाइफस्टाइल कैसे सुधारें और घर में आपस में प्रेम और हारमोनी कैसे हो। जैसे मैं ये संगीत सुन रही थी, अगर ये तबले वाले हारमोनियम वाले गाने वालों के बीच में हारमोनी नहीं हो तो एक भी बंदे को इधर अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे घर के अंदर भी कोई अपना तबला बजा रहा है, कोई अपना बांसुरी बजा रहा है, तो हारमोनी नहीं बन रही है। वो प्रेम और वो हारमोनी कैसे बने परिवार में और शरीर स्वस्थ कैसे रहे। बोलते ना पहला सुख निरोगी काया। आप जो प्रवचन सुनने आए हैं गुरु जी का, तो आप बैठ पाए अपने घुटनों के साथ, बोलते आसन में बैठ पाए ज्यादा देर तक, और भजन सिमरन जो आप करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे, इस शरीर के द्वारा ही करेंगे। तो मूल शुरुआत कहाँ से होगी, शरीर से। तो हम उसी के बारे में था कि पहले मूल सुधरेगा तो जड़ सुधरेगी, तभी ही पेड़ सुंदर होगा। तो वो मूल को कैसे सुधारा जाए उसकी उसके ऊपर ये सब बताया जाएगा। ये पत्रिका है, इसमें सब लिखा हुआ है, ये आपको मिल जाएगी। यहाँ पर जो बिल्ला जी हैं उनकी किराना की दुकान है, जो ड्राई फ्रूट, वहाँ पर आपको ये पत्रिका दी जाएगी, वो आप पढ़ लें और समझ लें। इसमें तारीख लिखी है 3 से
8 से 13 नवंबर को होगा ये, सुबह का समय होगा 6:30 से 8:30 बजे तक, और उसमें आपको एल्कलिन ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। इसके बारे में आपको पता ना होगा, एल्कलिन ब्रेकफास्ट वो बोलते हैं जिसे पकाया नहीं जाता, डायरेक्ट जो हमें कुदरत ने भगवान ने हमें दिया फल फूल नट्स, तो वो हम लोग आपको प्रोवाइड भी करेंगे। आपने सबने उधर हमारे साथ नाश्ता भी करना है। मैं आप लोगों को ये निमंत्रण देने आई हूँ सन टू ह्यूमन की ओर से, हम सब आए वहाँ पर, एक परिवार है वो हमारा, हमारे साथ हमारे परिवार के साथ आप हमारे साथ ब्रेकफास्ट करिए, आप हमारे साथ जिए तो आपको अच्छा लगेगा और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। और इसके लिए कुछ पैसे नहीं है, निःशुल्क है एकदम, लेकिन सिर्फ इनके लिए हमें एक एंट्री कार्ड रखा हुआ है। ये एंट्री कार्ड हमने इसलिए रखा है कि जैसे अभी आपके घर में मैं बोलूं कि मैं 50 मित्र लेके आ रही हूं, तो आप सोचोगे ना अरे अचानक बोल रही तो मैं व्यवस्था तो कैसे करती, आपका भाव होगा पर आपके व्यवस्था के लिए समय तो चाहिए। ऐसे हमने ये एंट्री कार्ड रखे कि हमें पता लगे कि हमारे यहाँ कितने मित्र आ रहे हैं, उस हिसाब से हम वहाँ पर बैठने की व्यवस्था खाने की व्यवस्था सब करेंगे उस लिए। और इस बार हमने रजिस्ट्रेशन का भी रखा है, ये रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, ये ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है, एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है, जैसे कि आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, आपका नाम और नंबर हम तक पहुंच जाएगा। उसके लिए एक नंबर है 887, अगर जिसके पास मोबाइल है वो सेव कर सकते हैं 8878817666, इसमें आप प्रणाम भेजिए। व्हाट्सएप नंबर इस पे फोन नहीं करना है, तो आप लोग इसमें खाली प्रणाम भेजेंगे ऑटोमेटिकली गूगल फॉर्म आपके मोबाइल पे आ जाएगा उस व्हाट्सएप पे, उसको आप फिल करेंगे सिंपल, ऐसे नाम फोन नंबर और आपका एड्रेस भरना है, फिर आप रजिस्ट्रेशन लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा एंट्री कार्ड्स कहाँ मिलेंगे। ये एंट्री कार्ड्स के हमने पिकअप पॉइंट्स रखे हैं, मैं अब हम लोग अभी यहीं ठहरे उनियारा गार्डन बंगलो नंबर 10 में, वहाँ पर भी आप ले सकते हैं, वो तो बहुत नियर बाय है, और भी 5-6 स्टेशन्स पे हमने रखे हैं, वहाँ से आप पिकअप कर सकते हैं। तो बस हमें यही बोलना था, आपका परिवार सुखी रहे, खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे, उसमें आपको कैसे आपको मदद कर सकते हैं हम वही चाहते हैं, हमें जो फायदा मिला है वो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं। तो आप सब परिवार इट इज़ अ फैमिली इवेंट, आप सह परिवार वहाँ पहुँच सकते हैं सभी, ठीक है। धन्यवाद आपका बहुमूल्य समय देने के लिए, धन्यवाद भैया। भोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये जो कार्यक्रम के फोल्डर हैं ये हमारे बिल्ला भैया अशोका किराना स्टोर पे उपलब्ध रहेंगे, जो भी लेना चाहें वहां से ले सकते हैं, और जो भी लोग इसमें भाग लेना चाहें लेकर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और लाभ लें। बहुत अच्छा है, ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, आप करेंगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। अब मैं पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में विनती करता हूँ कि आप अपने प्रवचनों से आए हुए सुंदर साथ को लाभान्वित करें। आनंदकंदम प्रभुदेवचंद्रम ब्रजेशरूपेण पुरापि जातम् प्रवीश्य प्राप्तम् प्रियप्राणनाथम् परेश पूर्ण सततम् नमामि ब्रह्मा प्रियाजा गरणाय जात सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये वन्दो सद्गुरुचरणको करो धनि प्रेम प्रणाम
अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाओ तेज कुमार श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय करा बोलूं कि नहीं मैं जय करा बोलूं कि नहीं बोलूं पीछे पूछना चाहता हूं बोलूं बोलूं जी सलाह से ही कहेंगे अपन तो जो आपको पसंद ना हो तो नहीं बोलता बोलूं बोलूं जी कृष्ण कन्हैया लाल की श्री सदगुरु महाराज की श्री प्राणनाथ प्यारे महारानी बैजुराज की महाराजा छत्रसाल की परमहंस बाबा दयाराम साहब जो की परमहंस महाराज हरिदास साहब जो की समस्त सुंदर साथ की कितने वहां है जी ये जी 29 इस मंदिर का 49th है क्या हाँ इंदर जी 29th इंदर जी कहें वो ऑथेंटिक है श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जवाहर नगर के वार्षिक उत्सव के रूप में महाराज श्री हरिदास जी की स्मृति में मनाए जाने वाले ये 29वें वार्षिक स्मृति महोत्सव कि इस पावन बेला पर हमारे बीच उपस्थित जिनके मधुर कंठ को आप वाणी के गायन के माध्यम से रसपान कर रहे थे आदरणीय श्री हर्षद राय जी आदरणीय यहीं के स्थानीय श्री सचिन आहूजा जी प्रिय भाई जितेश जी बादक वृंद यहां इस प्रन्यास के सभी पदाधिकारी जन परनामी पंचायत के सभी सभासदगण धर्मपरायण श्री राजजी महाराज के अत्यंत लाडले अति प्रिय सुंदर साथ जी माताओं बहनों भाइयों आप सबको हमारा सादर सप्रेम प्रणाम प्रणाम जी प्रणाम जी श्री राजजी महाराज की असीम कृपा गुरुजनों के भरपूर आशीर्वाद से 2022 में महाराज श्री हरिदास जी की स्मृति में मनाई जाने वाली इस श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर के वार्षिक उत्सव में हम फिर से उपस्थित हो पाए हैं क्योंकि पीछे कोरोना और ये सब देखते हुए तो उनकी बड़ी कृपा से हम फिर से बैठ पाए हम सब मनुष्य का स्वभाव है कि हमें परम सुख और परम आनंद मिले अभी आप सुन रहे थे इस जीवन में सुख शांति और
एक किस्म का सुकन अनुभव करना हो तो कैसे किया जाए, कैसे जीवनचर्या में थोड़ा बदलाव करने पर जीवन में सुकून का अनुभव हो सकता है। मैं आते आते सुन रहा था, वाणी की चौपाइयों का गायन हो रहा था, ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं। गाने में अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, गाने वाले राग में आबद्ध करके गाते हैं तो वाणी है, हमारा भाव पहले से जुड़ा हुआ है, अच्छा लगता है। पर इन चौपाइयों पर ध्यान दिया, कभी कभी मैं स्वयं अपने जीवन पर विचार करता हूं। 15 वर्ष की अवस्था में घर से निकला था, और निकलने के लिए निकला नहीं था, निकला गया कि मैं पढ़ूंगा, बढ़ूंगा, बड़ा हो जाऊंगा, ये कोई सोच ही नहीं थी। हाँ, एक बात अवश्य था, एक बात वातावरण में ऐसी परिस्थिति थी कि घर में साधु संतों का आना जाना होता था, और कभी कभी कोई साधु ऐसा बोलता था कि ये तो साधु बनेगा। और हो सकता है आप लोगों के बाल बच्चों को कोई ऐसा कह दे तो दुखी हो जाए, पर मुझे अंदर से खुशी सी होती थी। और ये सोच करके साधु की आश्रम में जाऊं और साधु बनूं, इसके लिए निकला नहीं था बिल्कुल। और मैं तो सीधा ही कहूं, हां पढ़ना चाहिए, इतनी सोच अवश्य थी। और पढ़ते पढ़ते कितना पढ़ा जाए यह भी बहुत लंबा चौड़ा लक्ष्य नहीं बनाया था। डिग्रियां भी मिल गई, और उसके बाद यह भी नहीं सोचा था कि गुजरात भी जाना होगा, और वहां जाकर के भी वहीं का बन करके रहना बना, और उसके बाद फिर वहां से उखाड़ करके रांची इधर ले आए। और शुरू में मैं तो नहीं आने वाला था, ले आए राजी महाराज खींच के, और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था, पर अब ऐसा लगता है कि ये तो बहुत बड़ी मेहरबानी थी उनकी। ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं। कई बार हम अपने जीवन में झांक करके देखने का प्रयास करें, हर एक व्यक्ति के जीवन में इस तरह की बातें दिखाई देती हैं। हमने सोचा क्या होता है, और धनी ने विचार क्या किया है, और परिणाम हम क्या प्राप्त करें। कई बार ये अवश्य है कि हम राज्य के चरणों में जाते हैं, नित्य नियम ऐसा बना लेते हैं और अर्जी करते रहते हैं कि राज्य ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे। ऐसा भी नहीं कि वो कार्य सिद्ध नहीं होता है, हो भी जाता है कई बार। पर मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, विद्यार्थी आकर के कई बार मुझे कहते हैं, स्टूडेंट्स स्कूल में जो आने वाले हैं, परीक्षा का समय होता है अथवा रिजल्ट का समय होता है, जी मेरे अच्छे नंबर आने चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। हमने राज्य को क्या समझ रखा है? आपको जो चाहिए, आप जो मांग करो, जो कार्य आपका अटका हुआ है उसको करने वाला कोई व्यक्ति विशेष है? वास्तव में यदि मांग भी करनी है ना,
ये चौपाई मेरे ख्याल से इसी हिसाब से कहना चाहते हैं धनी कि हे राज जी, मैं क्या मांगू आपसे, मुझे क्या चाहिए वो स्वयं मुझे नहीं पता, आप जानते हैं अधिक। मैं किस योग्य हूं, मुझे क्या देना है, ये आप विशेष रूप से जानते हैं, मैं जान ही नहीं सकता। ये कहने को भी ना कछु कहा कहूं तुमसे, हमें कुछ कहना ही नहीं है। तो मैं आज की कल भी करनाल से जब निकल रहा था, कल ही सवेरे सवेरे सुंदर साहब मेरे से मिले, बस राजीव से प्रार्थना कर दीजिए मेरा ये काम हो जाए। मैंने उनको कहा जाओ राजी से मत्था टेको, परिक्रमा करो, बाबा जी के चरणों में बैठो और ये मत कहो कि मेरा ये हो जाए, ये कहो कि राजी मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो आप जानते हैं, ज्यों जानो त्यों रखो त्यों करो, जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हादीपना या बैठाओ माई तकसीर। केवल बोलने की बातें नहीं है, इस पर चिंतन भी करें, विचार भी करें, उस अनुरूप बदलाव ले आए अपने जीवन में। वास्तव में हम परेशान इसीलिए होते हैं कि हम आग्रह करते हैं हमें तो यही चाहिए, हम उन पर छोड़ने की कोशिश ही नहीं करते। हाँ, एक बात अवश्य है, व्यक्ति अपना कर्तव्य करता जाए। एक भजन गाया करते थे, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर तू इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। हमें क्या करना है उसकी समझ के लिए हमें मस्तिष्क दिया है, विवेक दिया है, बुद्धि दी है, समाज दिया है, धर्म दिया है, उपदेश दिए हैं क्या करना चाहिए। इसीलिए प्यारे सुंदर शाह जी, हम लोगों को बड़ा सोच समझ करके हमारे जीवन में हमारे कदम चलाने चाहिए। सामान्य व्यक्ति की तरह मैं भी कुछ सोचता था, आपको सीधा बता दें, जैसे मास्टर्स कर लिया तो एक हमारे कॉलेज के कमिटी के सक्रिय मेंबर थे, मैं जहां पढ़ता था वहां पास में कॉलेज था, उन्होंने कहा बस इतने ज्यादा नंबर की जरूरत नहीं, मुझे तो फर्स्ट डिवीजन ला के दिखा दो, बस इतना लंबा चौड़ा नहीं चाहिए। और हमारे कॉलेज में आपके सब्जेक्ट का की को पढ़ाने के लिए चार जने की जरूरत है, एक लेडी मुश्किल से चला रही है ही नहीं, बस आपको पक्का। एडेड कॉलेज था, मैं भी सोचता था क्या हर्ज है, पढ़े लिखे लोगों के बीच बैठना उठना होगा और एक तरह की लाइफ हो जाएगी और समय बहुत बचेगा, समाज के लिए भी समय दिया जा सकेगा। पर इतने में राजी महाराज ने वहां से उठा करके जामनगर पहुंचा दिया और वो यहां की इच्छा इधर ही रह गई। वहां जाने के बाद लहर और ही आ गई। अब मैं वहां जाकर के सोचता था कि मैं ऐसा करूंगा, लेकिन उठा करके राज्य ने करनाल पहुंचा दिया। तो हमारा सोचा होता है क्या, इतना क्यों सोचता है व्यक्ति, सामने आए उसको करता जाए। इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग करके परेशान होने की क्या आवश्यकता है,
जो सामने है, मैं तो एक बात आपसे कहना चाहूंगा, आज है ना सामने, इस आज को सुधार ले। इस आज को जानबूझ करके गलत तरफ ना ले जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी, मैं इसका मतलब राजी अपने आप करेंगे, मैं तान के सोता रहूं। हमें आज को अच्छा बनाने का प्रयास करना है, और जैसा हुआ छोड़ दे राजी पर। और दूसरी बात है, देखिए विद्यार्थी टीचर्स को ये कह दे मुझे आपको इतना नंबर देना पड़ेगा, तो हंसी आने वाली बात है। ये विद्यार्थी को कहना चाहिए क्या टीचर के लिए? टीचर क्या देगा? वो बेस आपने क्या बना के दिया हुआ है? दे देगा वो आपको, सामने से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कभी कभी मैं अपने जीवन को देखता हूं, हमारे जीवन को देखता हूं, वही वाली स्थिति होती है, करना धरना कुछ नहीं है, और टीचर को कह देते हैं सर मुझे तो इतना चाहिए, डिस्टिंक्शन चाहिए। हमारी परिस्थिति ऐसी ही है। स्वयं को राज्य ने विवेक दिया है, बुद्धि दी है, उसका सदुपयोग कर करके आज को सुधारते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास करें, तो मुझे ऐसा लगता है जीवन और सरल बन सकता है, आनंददायी बन सकता है, जीवन सफल बन सकता है। अगली चौपाई में कहा है, कछु कछु दिल में उपजत सो भी तुम ही उपजावत। आप सबसे कहना चाहूंगा सुंदर श्याम जी, थोड़ा सा सकारात्मक विचार रख करके, थोड़ा सा अच्छा भाव रख करके, अच्छा रहन सहन बना करके, रहन सहन अच्छा का मतलब कोई लिविंग स्टैंडर्ड हाई बनाने की बात नहीं कह रहा हूं, केवल लिविंग स्टैंडर्ड हाई बनाना ही सब कुछ नहीं है। सुख सुविधाओं को साधनों को जोड़ना ही सब कुछ नहीं है। मन वचन कर्म से सब राजी करने वाले हैं, और राज्य पर समर्पित होकर के खुद को चलाने का प्रयास करना, और आप सबसे कहना चाहूंगा यदि सकारात्मक विचार रख करके, सकारात्मक चाल चल करके, व्यवहार करके, रहन सहन सकारात्मक रख करके चलेंगे, धनी की कृपा, धनी की मेहरबानी, धनी की नजदीकी, धनी की मेहर एक एक पल पल हमें अनुभव देने लग जाती है। वास्तव में अभी ये जो कह रहे थे सारी चीजें ही गड़बड़ हो जाती है, बाल्यावस्था से ही, प्रतिदिन देखें तो प्रातः काल से ही, इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा हम राज्य पर दिल से जुड़ करके चलें, प्रेम से जुड़ करके चलें। मुझे तो ऐसा लगता है व्यक्ति अपने विचार सोच सबको सकारात्मक रखने का विचार करे, सोचे विचार करे और उस अनुरूप चलने का प्रयास करे, तो हर पल हर कदम हर स्टेप में हर समय हर काल उनकी कृपा ही दिखती रहती है।
कई बार मैं कहा करता हूं, हम जो प्रार्थना करते हैं राजी महाराज सब कुछ पूर्ण कर दें तो बहुत अच्छा लगेगा ना, अच्छा रहेगा ना। जैसी जैसी प्रार्थना करते हैं राजी के चरणों में जाकर के सब राजी सुनने लग जाएं तो अच्छा रहेगा ना कटहरिया साहब, अच्छा रहेगा ना। इसलिए ज्यो जानो क्यों रखो। यहां कहने की भी क्या आवश्यकता है कि राजी ये चाहिए या सब चाहिए। सबसे पहली बात है हम राजी को समझ लें, फिर कहीं मैं तो मानता हूं कि हमें कुछ कहने की आवश्यकता महसूस ही नहीं होगी। क्योंकि वाणी ने कहा है आप भी भेद बदल के आए अपना दिया इलम। प्यारे सुंदर साहब जी, थोड़ा सा यही तो साधना करनी है। दो तीन चीजें हैं, मैं कुछ करने वाला हूं, मैं ही हूं कुछ करने वाला, ये सोचना छोड़ दें। मैं एक कठपुतली जैसा हूं जो उंगली चलाने वाला राजी महाराज हैं, वो जैसा चलाते हैं वैसे मुझे नाच करके दिखाना है, वो जैसा चाहते हैं वैसा नचाते हैं। और दूसरी बात, सभी सुंदर साथ कहें या मनुष्य कहें, सबके अंदर राज्य का ही भाव देखना चाहिए। सबसे बड़ी गड़बड़ी कहां होती है, मैं और वो कुछ नहीं। सबसे पहले तो यह है कि वो उनके द्वारा नचाई हुई कठपुतली की तरह से हैं हम, और उन्हीं का अंश रूप से सभी के अंदर वो भी वही विद्यमान है। अब ईर्ष्या, अब द्वेष, अब अहंकार की आवश्यकता ही कहां रही। जीवन को सहज बनाना है तो विचारों को बदलने की आवश्यकता है, रहन सहन को बदलने की आवश्यकता है, अपने भावों को बदलने की आवश्यकता है। इसलिए प्यारे सुंदर साहब जी, ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी। जैसा आप चाहते हैं वैसा आप करें, उन पर समर्पित होकर के चलने का हमें प्रयास करना चाहिए। हां, एक बात अवश्य है, व्यक्ति सकारात्मक रास्ते की तरफ चलने लग जाए जिसको साधना कहा जाता है, तो एक एक कदम आगे बढ़ करके जीवन को एक प्रेरणा रूप बना सकता है। संत गुरुजन परमहंस महाराज श्री बाबा दयाराम साहब जी कहें,
चरणदास जी साहब कहें, राम रतनदास जी महाराज कहें, हैं तो हमारी तरह से ही, बाबा हरिदास जी कहें, किसी माता पिता के पुत्र के रूप में पैदा हुए पर जीवन में सकारात्मक भाव लेकर के आगे बढ़े और एक एक कदम ऐसा बढ़ाया, दुनिया उनको देख करके उसी अनुरूप चलने का प्रयास करने लग गई। आज ऐसे महान हस्तियों को याद करके हम कार्यक्रम करते हैं, थे तो हमारी तरह से, हम आपकी तरह से। मैं तो कई बार कहा करता हूं सुंदर शाह जी कि व्यक्ति को विवेक मिला है, बुद्धि मिली है, समाज ने शिक्षा दी है, विचार करके गलत ना करे ना, गलत नहीं करना है, यही संकल्प करे और ना करे गलत, जानबूझ करके गलत ना करे, सबसे बड़ी बात है। तो महान बनने के रास्ते पर चल पड़ा हूं। हां, मैं जानता हूं ये गलत है, नहीं करना चाहिए, पर करूंगा, फिर उसको कुछ नहीं बचा, कोई नहीं बचा सकता, फिर खुदा ही बचाए। केवल मात्र कि ये गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए और ना करे, बचे उससे, इतने से ही बहुत बड़ा कदम आपने शुरू कर लिया। साधना के लिए नाक पकड़ करके बैठने की जरूरत नहीं है। जो नहीं करना चाहिए वो ना करे, जो करना चाहिए उसको करने के लिए प्रयास करें। मैं तो कहता हूं जो नहीं करना चाहिए वो ना करे तो अपने आप ही जो करना चाहिए उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है व्यक्ति, फिर जीवन में सुगंधी खुद को महसूस होने लग जाए। महाराज श्री हरिदास जी उन्हीं में से थे, परमहंस बाबा दयाराम साहब जी उन्हीं में से थे, वो भी पंचभौतिक देहधारी। और हमारे अंदर कोई ब्रह्म सृष्टि परंधाम की शक्ति नहीं है, ये कोई गारंटी है? उनमें है, हमारे में नहीं है, ऐसा है क्या? अरे हम सभी के अंदर है। इसलिए प्यारे सुंदर शाह जी, ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, गुरुजनों के जीवन पर चिंतन करें, विचार करें, कैसे हम अपने जीवन को भी और उन्नत, सुंदर, शांति और आनंदमय बना सकें और दूसरों के लिए प्रेरणा रूप बन सकें। देखिए सुंदर शाह जी, मर मर सब कोई जात है, चाहिए मोमिन मौत फर्क कर, ऐसे ही आकर के पैदा हो गए और पले बड़े पड़े और बाल बच्चे वाले बन गए और एक दिन छुट्टी करके चले गए। इतना ही जीवन नहीं है सुंदर शाह जी, हम लोग कुछ विचार करके चले, हम कुछ विशेष करके चलने का प्रयास करें। क्या करें कहने से नहीं होता, बहुत कुछ किया जा सकता है। आप सभी जानते हैं, अब घर में रहते रहते, परिवार में रहते रहते भी बहुत कुछ किया जा सकता है, बस भाव सकारात्मक रखें। मैं कुछ करूं, मैं ऐसे ही न चला जाऊं, मेरा जीवन ऐसे अंत न हो जाए, थोड़ा सा संकल्प लेकर के चलने का प्रयास करें। तो मैं नहीं कहता आपको कि कोई आकर के हैं आश्रमों में रहें, धोती पहनने से कुछ हो जाता है, हैं आप घर में रहने से कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। मन चंगा तो कठौती में गंगा,
है ना, घर संसार के कार्यों में भी मैंने सुना है। हाँ बाबू जी, हमारे दामवासी सोहनलाल जी बाबू जी कई बार कहते थे, किनकी बात करते थे, नाम तो मैं भूल गया, कि वो ऐसे थे जब विभाजन से पूर्व भी दुकान में चले जाते थे, उन्होंने सोच रखा था कि इतने की कमाई होनी चाहिए, हमारा खर्चा इतने से चल जाएगा, जाते ही घंटे डेढ़ घंटे में उतनी कमाई हो गई, दुकान बढ़ा के आ जाते थे, हो गया आज का काम। हमारे ही पूर्वज हैं, और यहां आने के बाद भी ऐसा ही कुछ करते थे। आज हमें सुनकर के हंसी आती है, पागल थे ऐसा समझेंगे शायद। किसी ने कहा है हम तो पागल ही अच्छे हैं। तो ये जो एक परिस्थिति है ना, एक स्तर है ना, वो कुछ अलग है। असंतोष और छटपटाहट और पता नहीं क्या ना कर जाऊं, घर संसार की चीजों को उसको बढ़ा करके मैं क्या ना हो जाऊं, ये जो सोच है ये हमें शांति नहीं अशांति के गर्त की तरफ ले जाती है। करना बुरा नहीं है, जोड़े साधन, पर जीवन का लक्ष्य सब कुछ यही मान करके चलना ये ठीक नहीं है। ये जीवन और बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए है, ये तो हो जाता है। मैं एक उदाहरण दिया करता था, ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, परले पार जाना, जंगल है बीच में, नदी है, उसको पार करके परली तरफ हमें जाना है, लक्ष्य वो है। और जब निकलने लगे तो रास्ते में जंगल आ गया, लताएं भी वहां लटकी हुई हैं, फूल भी खिले हुए हैं, सुगंधी भी आ रही है, चिड़ियों की चचहाट भी है, हरियाली भी है, सुंदरता भी है, और कटीला रास्ता भी है, कभी चुभन भी है, सब कुछ है। ओहो बड़ी अच्छी सुगंधी आ रही, कितना अच्छा सुंदर प्राकृतिक वातावरण है, हैं चिड़ियों की चचाहट है, यहां से तो जाने का मन ही नहीं कर रहा है, वहीं रह जाए। तो अरे भाई, जीवन का लक्ष्य था, हाँ तू निकला था वो पतले गांव को जाने के लिए, तू इन्हीं में तू रह गया। हाँ एक बात अवश्य है कि जाना परली तरफ है, जा रहा है, और साथ में कोई बात नहीं, इधर से चिड़ियों की चचाहट का भी आनंद ले लिया, फूलों की सुगंधी का भी आनंद ले लिया, और जल में उतर करके जाते समय जल की शीतलता का भी आनंद ले लिया, पर लक्ष्य है परले गांव को जाने का। सुंदर शाह जी, घर संसार होना कहीं बुरा नहीं है, पर जीवन का लक्ष्य ही यही है, मान करके इसी में लपेटे में रह जाना, उस यात्री की तरह से है जो जंगल में ही यही मेरा लक्ष्य समझ करके उसी में रह जाए। सुंदर शाह जी, हमें थोड़ा सा सोच समझ के चलना है, जीवन में बहुत कुछ उपलब्ध हो सकता है, पर ऐसा सुंदर जीवन में भी हम हाथ पटक करके बैठे रहें और निकल जाए समय, वो उचित नहीं होगा। बहुत बहुत शुभकामना, प्रातःकाल फिर मिलेंगे, और मेरे ख्याल से ये हारमोनियम और वादकों को बुलाया है, गायक संगीतकार हमारे बीच हैं, इनका भी हमें आनंद लेना है। राजी हमारे ऊपर मेहरबानी बनाए रखें, सुख शांति और आनंद के दिन रहें, और हम बहुत कुछ समाज के लिए, देश के लिए, जनता के लिए कर सकें, ऐसा संकल्प लेकर हमें अवश्य चलना चाहिए। सभी के लिए हार्दिक शुभकामना। परमहंस बाबा महाराज श्री हरिदास जी की जीवनचर्या को जरूर हम चिंतन करें, तो मैं मानता हूं कि यहाँ आकर के इतने देर बैठे हैं, ऐसा खर्च वगैरह किया हुआ है, वो सार्थक हो सकेगा, ऐसा कहा जा सकता है, है? आज के प्रसंग को अभी मैं विराम देता हूँ। कोई बात नहीं प्यारे सुंदर शाह जी, कल प्रातः काल का समय जो भी हमें बताया जाएगा उस अनुरूप हम फिर इकट्ठे होंगे, और वैसे भिवानी में काफी बड़ा कार्यक्रम है, मुझे जाना था वडोदरा,
वैसे भिवानी का ही कार्यक्रम था पहले, फिर बड़ोदरा वालों ने भी बहुत आग्रह किया, फिर बड़ोदरा वालों से मैंने बात की, विशेष वहाँ के मुख्य व्यक्ति से, कि भाई साहब देखिए मैं आज जहाँ हूँ उसमें भिवानी का बहुत बड़ा योगदान है। शायद भिवानी वाला प्रकरण मेरे जीवन में नहीं होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता, तो इसलिए मेरे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है भिवानी के योगदान का। इसलिए वो उस कर्तव्य को निभाने का समय है, मुझे आप बुलाएंगे तो मैं आऊंगा जरूर, पर मेरा मन खटकता रहेगा। बोलते नहीं महाराज जी, फिर आप बताइए ऐसे। पर यहाँ वचन दे चुका था, यहाँ कहा नहीं, मैं महाराज जी सदानंद जी से कह दिया था कि महाराज जी मुझे बीच में से धीरे से जाना है और चुपके से आ जाऊंगा वापस, है ना। इसीलिए कल बहुत लंबा मुझे रखने का प्रयास न करें। वाणी चर्चा पाठ की पूर्णाहुति, उससे पहले भजन कीर्तन, एक दो कीर्तन उसके बाद भी होते रहें, और हमें धीरे से जाने का आप इजाजत देंगे, आज्ञा देंगे तो अच्छा रहेगा, समय अनुसार मैं वहां पहुंच सकूं। आज आज मुख्य दिन था वैसे, राधिका दास जी के जयंती का आज दिन था, और कल सदानंद जी महाराज जी को संन्यास लिए 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। संत बने सदानंद जी महाराज को 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, 51वां वर्ष प्रारंभ हो जाएगा कल से, वो कल विशेष कार्यक्रम है, मैं कम से कम शाम तक तो पहुंच जाऊं, तो इसीलिए समय पर मैं निकलना चाहूंगा। आज के प्रश्न को विराम देते हैं, आखिर जैसा भी उद्घोषणा होगी उस अनुसार हम चलेंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सदगुरु महाराज की।